मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के गिल रिजॉर्ट्स में आयोजित युवा सिख सम्मेलन में शामिल हुए, जहां सिख समाज के कई लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सिख समाज को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के लिए काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने बताया कि हेमकुंड साहिब तक 20 सड़क मार्ग का निर्माण जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार बाजपुर भूमि प्रकरण पर काम कर रही है और एक कमेटी भी गठन की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस पूरे तराई क्षेत्र को बसाने में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी बड़ी संख्या में सिख समाज आया है, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमेशा हमें समर्थन दिया है और भविष्य में भी हमारे साथ उनका आशीर्वाद बना रहेगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। इस पूरी तराई को बसाने में, इस तराई को आबाद करने में हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज तराई में जो सिख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया, उसमें हजारों हजारों की संख्या में आज नौजवानों समेत समस्त सिख समुदाय के लोगों ने यहां आकर प्रतिभाग किया और कहीं ना कहीं उनकी इस इतनी बड़ी संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिख समाज के लिए काम हुए, चाहे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना हो, करतारपुर कॉरिडोर बनाना हो, या गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व मनाना हो, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज काम हुआ है, 84 के दंगों के आरोपियों को, अपराधियों को जिस प्रकार से सजा दिलवानी, वो सब सिख समुदाय आज महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के साथ सिख समुदाय का भी आज उत्थान हो रहा है, उनके हितों के लिए भी काम किया जा रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। उन्होंने जैसे हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमको अपना आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा।